हेलो गाइस, आज की इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं आप दो फोटो को एक साथ में कैसे जोड़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो आप अपने वाइफ के साथ में अपना फ़ोटो जोड़ सकते हैं, या फिर अपने गर्लफ्रेंड के साथ में अपना फ़ोटो जोड़ सकते हैं, या फिर आप अपने फैमिली के साथ में अपना फ़ोटो जोड़ सकते हैं, या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ में अपना फ़ोटो जोड़ सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप उसका बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं, मतलब बदल सकते हैं। तो चलिए, फ़ोटो को कैसे जोड़ा जाता है एक जगह पे मैं वीडियो को स्टार्ट कर लेता हूँ। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बगल पे जो घंटी है फ्रेंड्स उसको भी दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले प्ले स्टोर को ओपन कर लेता हूँ, आपको भी कर देना है। प्ले स्टोर ओपन होने के बाद फ्रेंड्स आपको ऊपर पे सर्च बार पे टाइप करना है, और आपको यहाँ पे लिखना है बैकग्राउंड इरेजर। तो देखिए फ्रेंड्स, ये ऊपर पे आ चुका है बैकग्राउंड इरेजर, थर्ड नंबर पे। आपको इसको सही से पहचान लीजिए, आपको इसी को इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको यहाँ से ओपन पे क्लिक कर देना है। चलिए हम यहाँ से ओपन पे क्लिक कर देते हैं, आपको भी कर देना है। ओपन पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स देखिए कुछ इंटरफेस इस तरह से आ चुका है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ से लोड ए फोटो पे क्लिक कर देना है। तो चलिए हम यहाँ से लोड ए फोटो पे क्लिक कर देता हूँ, आपको भी कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स देखिए कुछ इंटरफेस इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ से एल्बम को सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपका एल्बम यहाँ पे नया आएगा तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे थ्री डॉट दिखाई देगा, तो आपको यहाँ से थ्री डॉट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपका यहाँ से एल्बम खुल करके आ जाएगा, तो आपको एल्बम को सिलेक्ट कर लेना है। एल्बम सेलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स आपका फाइल ओपन होकर के आ जाएगा। तो चलिए, आप अपना जिस फाइल पे आप अपना फ़ोटो रखे हैं तो उस फाइल से आप अपना फ़ोटो सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो मैं आपको दिखाने के लिए, मैं यहाँ से इस सलमान खान को फ़ोटो को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो जैसे हम इसको हम सिलेक्ट कर लिए, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स देखिए कुछ इंटरफेस इस तरह से आ चुका है। उसके बाद आपको यहाँ से डन पे क्लिक कर देना है, यहाँ पे ऊपर पे यस वाले चिन्ह पे। तो चलिए हम यहाँ से डन पे क्लिक कर देते हैं, आपको भी कर देना है। डन पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स देखिए नीचे पे कुछ ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑटो, मैजिक, मैनुअल, रिपेयर, जूम, कुछ इस तरह का ऑप्शन आ चुका है। अगर आप चाहें तो आप यहाँ से जूम भी कर सकते हैं, रिपेयर भी कर सकते हैं। अगर ये उसके बाद फ्रेंड्स मैं यहाँ पे बैकग्राउंड बदलने के बाद बात कर रहा हूँ, तो आप अगर आप चाहते हैं इसका बैकग्राउंड हटाने के लिए तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ से ऑटो पे क्लिक करना है। इस जगह पर ऑटो पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स देखिए कुछ रेड वाले डब्बे जैसे ये आ चुका है। उसके बाद आपको इसको ला करके पीछे वाले बैकग्राउंड जो है इस पर आपको छोड़ देना है। तो इस पर छोड़ने के बाद फ्रेंड्स देखिए इसका बैकग्राउंड यहाँ से गायब हो चुका है। तो इस तरह से आपको बैकग्राउंड को हटा देना है, जहाँ पे रहेगा तो उसको यहाँ फिर से आप मार दीजिएगा और वहाँ का बैकग्राउंड इस तरह से साफ हो जाएगा, ठीक है। तो मैं जैसे यहाँ पर हटा रहा हूँ फ्रेंड्स, इस तरह से आपको हटा देना है। जैसे देखिए यहाँ पर कुछ रह गया बगल पर, ठीक है। उसके बाद मैं चाहूँ तो इसको यहाँ पर मैनुअल पर क्लिक कर सकता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद इसका साइज़ यहाँ से कम बेस कर सकता हूँ, यहाँ पे जो है ऊपर पे 15 है, यहाँ जैसे मैं 30 कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद देखिए इसका साइज़ बड़ा हो चुका है, मैं चाहूँ तो इसको इस तरह से भी कट कर सकता हूँ, ठीक है, जहाँ पे है। तो इस तरह से आप अपना मतलब बैकग्राउंड को इरेजर कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आपके पास जितना सारा फ़ोटो रहेगा, 1 2 3 4 मतलब आपका गर्लफ्रेंड का या फिर अपना या फिर अपने दोस्तों का जितना सारा फ़ोटो रहेगा, तो आपको इसी तरह से इरेजर कर लेना है। इरेजर करने के बाद फ्रेंड्स आपको सारा फोटो को यहाँ से सेव कर देना है, इस तरह से डन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है ऊपर पे। तो इरेजर करने के बाद अगर आप चाहे तो आप यहाँ से 1 2 3 4 5 तक आप लाइट दे सकते हैं अपने फ़ोटो पे। उसके बाद आपको यहाँ से सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है इस जगह पे। तो चलिए हम यहाँ से सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ से फिनिश वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, और आपका फ़ोटो यहाँ से सेव हो जाएगा। मैं सोच रहा था, तो फ्रेंड्स ये मेरा ऐड आ चुका है, तो मैं इसको कट कर देता हूँ। तो देखिए मेरा यहाँ ऊपर पे ऐड आ चुका है, तो मैं यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ। कैंसिल करने के बाद फ्रेंड्स मेरा ऐड आ चुका था, मैं इसको कैंसिल कर चुका हूँ। तो मैं यहाँ से बैक आ जाता हूँ। तो बैक आने के बाद फ्रेंड्स फिर से आपको प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है दोबारा। तो चलिए मैं यहाँ से फिर से प्ले स्टोर को ओपन कर लेता हूँ, आपको फिर से कर लेना है। ओपन होने के बाद फ्रेंड्स आपको फिर से ऊपर पर टाइप करना है, और यहाँ पर लिखना है पिक्सल लैब PIX। तो देखिए ये ऊपर पर आ चुका है पिक्सल लैब, तो आप इसको सही से पहचान लीजिए। आपको इसी को इंस्टॉल कर लेना है, क्योंकि ये मेरा इंस्टॉल किया हुआ है इसलिए मेरा ओपन दिखाई दे रहा है। तो फिर से मैं इसको ओपन पे क्लिक कर देता हूँ। ओपन पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स देखिए कुछ इंटरफेस इस तरह से आ चुका है, क्योंकि मैं यहाँ पे पहले फ़ोटो को बना करके रखा हूँ, जो थंबनेल ये यहाँ पे आ चुका है। तो मैं यहाँ से इसको कट करके मैं फिर से दोबारा ओपन करता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ से बैग आ चुका हूँ, ये हट चुका है। तो मैं फिर से ये मेरा सिंपल जिस तरह से ओपन होकर के आ चुका है पहले जैसा, मतलब इसमें कुछ नहीं है अभी। तो उसके बाद फ्रेंड्स देखिए कुछ टैक्स आ चुका है बीच पे, मतलब नया टैक्स है, ठीक है। मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ, ठीक है। तो उसके लिए हटाने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, तो आपको यहाँ से डिलीट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है इस ऊपर पे। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये मेरा बीच से ये हट चुका है। अगर आप चाहें तो आप यहाँ से थंबनेल कुछ भी बना सकते हैं। तो उसके बाद फ्रेंड्स देखिए मुझे करना क्या पड़ेगा, अगर आप चाहें तो आप यहाँ से स्टिकर पर क्लिक करना है। सबसे पहले आपको नीचे पर
तो यहाँ पे, तो चलिए हम स्टिकर पे क्लिक करते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स अगर आप चाहें तो आप यहाँ से कोई भी अपने फ़ोटो पे मतलब कलर भी दे सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे बहुत से रेड जैसा कोई बहुत सारे कलर मिल जाएगा, तो आपको यहाँ से कोई भी कलर अपने फ़ोटो पे पीछे का बैकग्राउंड पे दे सकते हैं, ठीक है। तो मुझे कलर नहीं देना है फ्रेंड्स, मुझे बैकग्राउंड बदलना है, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ नीचे से सेट करना है। उसके बाद देखिए आ चुका है यहाँ पे फ्रॉम गैलरी, तो मैं यहाँ से फ्रॉम गैलरी पे क्लिक कर देता हूँ, आपको कर देना है। फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स से देखिए कुछ इंटरफेस इस तरह से आ चुका है। तो देखिए मेरा यहाँ पे ओपन होकर के आ चुका है एल्बम, तो मैं यहाँ से एल्बम पे क्लिक कर देता हूँ। अगर आपका एल्बम यहाँ पे नया आएगा तो फ्रेंड्स आपको यहाँ से थ्री डॉट पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका यहाँ से एल्बम खुल करके आ जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ से एल्बम पे क्लिक कर देता हूँ, आपको कर देना है। एल्बम पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ से वॉलपेपर को सिलेक्ट कर लेना है, मतलब पीछे का जो बैकग्राउंड आप वॉलपेपर लगाना चाहते हैं तो आप अपना यहाँ से वॉलपेपर को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अब फ्रेंड्स मैं यहाँ से कोई एक वॉलपेपर को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे बैकग्राउंड है, वॉलपेपर है, तो मैं यहाँ से कोई एक वॉलपेपर को हम ले लेते हैं। मैं आपको दिखाने के लिए फ्रेंड्स मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो सिलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स आपको देखिए आपको यहाँ से यस वाले चिन्ह पे इस पर क्लिक कर देना है और आपका फ़ोटो यहाँ पे मतलब बैकग्राउंड आ जाएगा। तो इस पर आपको फ़ोटो लाना है। अब जिस फ़ोटो को आप यहाँ पे जोड़ना चाहते हैं एक साथ में, तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, तो आपको यहाँ से प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है ऊपर पे। तो चलिए हम यहाँ से प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे फ्रॉम गैलरी आ चुका, तो आपको यहाँ से फ्रॉम गैलरी पे क्लिक कर देना है। फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको फिर से एल्बम पे आना है। उसके बाद आपको फिर से फाइल पे आना है और आप जिस फ़ोटो को इरेजर किए हैं मतलब जिसका बैकग्राउंड हटाए हैं, तो आपको यहाँ से उस फाइल से उस फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पे इरेजर किया था सलमान खान का फ़ोटो, तो चलिए हम यहाँ से सलमान खान को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो सलमान खान को सिलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स आपको फिर से यस वाले चिन्ह पे क्लिक कर देना है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे सलमान खान का फ़ोटो आ चुका है, तो मैं इसको यहाँ पे इस तरह से एडजस्ट कर देता हूँ आपको दिखाने के लिए, ठीक है। अगर आप चाहें तो आप इस पर फुल फ़ोटो भी सेट कर सकते हैं या फिर किसी भी तरह का फ़ोटो आप एक जगह पर जोड़ सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सलमान खान का फ़ोटो इस जगह पर मैं रख चुका हूँ फ्रेंड्स, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। आपको बड़ा करने के लिए आपको इस पर क्लिक करना है, इस कोने वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और इसको थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा बढ़ाना है घिंच करके। उसके बाद देखिए इस फोटो का मतलब लंबाई और भर जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ से एडजस्ट कर देना है। इस तरह से एडजस्ट करने के बाद फ्रेंड्स आपको फिर से देखिए प्लस वाले ऑप्शन पे उसी पे क्लिक करना है। तो इस पे क्लिक करने के बाद आपको फिर से फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करना है। फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करने के बाद आपको फिर से फ्रेंड्स आपका ये गैलरी ओपन होकर के आ जाएगा, मतलब एल्बम। तो आपको यहाँ से एल्बम को सिलेक्ट कर लेना है। तो उसके बाद आपको फिर से उसी फाइल से मतलब इरेजर किया हुआ फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेना है। आप जिस फ़ोटो को इरेजर किया हुआ मतलब आप एक जगह पर लगाना चाहते हैं, तो जैसे कि मैं इस लड़की को हम सिलेक्ट कर लेते हैं, कैटरीना को। अगर आप चाहे तो आप अपने दोस्त या फिर अपने गर्लफ्रेंड या फिर अपने वाइफ का फ़ोटो एक जगह पर लगा सकते हैं। तो उसके बाद देखिए इसको मैं यहाँ पर एडजस्ट कर देता हूँ, ठीक है, आपको दिखाने के लिए। तो मैं इसको यहाँ पर फ्रेंड से एडजस्ट कर दिया हूँ। तो इस तरह से आप अपना फ़ोटो को ज्वाइन कर सकते हैं एक साथ में। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो फ्रेंड्स उसके बाद आपको फ़ोटो सेव करना है। तो फ़ोटो सेव करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, तो आपको यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो चलिए हम यहाँ से इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं ऊपर पे। तो इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको देखिए यहाँ पर सेव एस इमेज, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ से इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो उसके बाद आपको यहाँ से सेव टू गैलरी, तो आपको सेव टू गैलरी पर क्लिक करना है और आपका फ़ोटो ये सेव हो जाएगा फ्रेंड्स गैलरी पर।